Today we have come before you to say what was last evening declared from the United Nations. After untiring efforts taken by the Prime Minister in isolating Pakistan and in underlying the need to declare globally recognized but yet unannounced till last evening, the terror mastermind Masood Azhar as a terrorist. This UN announcement has been waiting for a long time, and we all know the reasons behind why it has taken the time as it has taken. But it is specific, and it is necessary to clearly point out that in every such opportunity that the Prime Minister had in during his bilateral talks with countries and in multilateral fora, the need to recognize Pakistan as the land which, as per publicly available data, more than 35 declared terrorist organizations, organizations which have been called out as being terror organizations, are located in Pakistan. And from among them, Masood Azhar's name as the leader and the mastermind of several attacks which spanned over a decade have all been recognized. But it is the persistent effort taken by this government under the leadership of the Prime Minister which has brought this result for us today. The much-awaited announcement has happened last evening, and we would want to highlight the fact that the zero tolerance policy for terror by the Prime Minister has borne fruit, and this is definitely something which this government will want to draw the attention of the people of India. Terrorism shall not be tolerated, and this clear declaration from the UN is something which is noteworthy. So we would want to put before you that the outcome of persistent measures taken by the Ministry of External Affairs under the leadership of Prime Minister and the Prime Minister's own visits have resulted in this. So, मित्रों, कल जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ वो भारत की और भारतीय कूटनीति की एक बहुत बड़ी विजय है। कई दशकों से स्पष्ट रूप से भारत मसूद अजहर के निशाने पर था। कई आतंकवादी घटनाएं होती थी जिसके पीछे उसका और उसके संगठन का हाथ होता था, और इसलिए कुछ समय लगा। 2009 में जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, 2014 में के बाद 16-17, यानी तीन बार ऐसे अवसर आए, 9 में, 16 में और 17 में, जबकि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाए गए और भारत का प्रयास सफल नहीं था। भारत का कूटनीतिक दबाव, विश्व मंच पर भारत का अपना प्रभाव, हाल ही की घटनाएं, इन सब का मिलाकर ये परिणाम था कि कई दुनिया के देश काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चाइना एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिस्टिंग में लगाता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने और भारतीय कूटनीति के प्रभाव की वजह से कल
कल वो भी रुकावट हट गई और भारत के लिए विशेष रूप से हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हर भारतीय के लिए ये गर्व और शोभा का अवसर होना चाहिए था। पूरे देश में इसको लेकर सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सराहना है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जब देश जीतता है तो हर भारतवासी जीतता है। लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद उसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े, और यही कारण है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में वो कहते हैं कि जब हम सरकार में थे तो इनविजिबल सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने भी किए थे, वो एक अननोन इनविजिबल सर्जिकल स्ट्राइक्स थे। जब एयर स्ट्राइक्स में हम सफल होते हैं बालाकोट में तो उस पे वो संदेह करने लग पड़ते हैं। और जब जिस प्रभाव में देश लगा था प्रयास में 10 वर्षों में, उसमें कल हम सफल हुए तो ये तो तुच्छ है। व्हाट इज द बिग डील? इस प्रकार की ट्रिवियल प्रतिक्रिया आती है। ये जो मानसिकता है कि एक पुरानी परंपरा थी इस देश की कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति के संबंध में देश एक आवाज में बोलता था, क्योंकि वो विश्व के सामने बोलना पड़ता था, उस परंपरा को तोड़े, ये पिछले कुछ दिनों का एक प्रयास हुआ है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे कि देश को जो ये गौरव प्राप्त हुआ है इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय का और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी विजय का, उसमें कम से कम इस देश का विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। धन्यवाद। इस पे आपके बहुत प्रश्न होंगे तो मैडम, द लिस्टिंग एंड द डिसीजन आर नॉट अ बायोडेटा ऑफ मसूद अजहर, दे डोंट हैव टू गिव हिज एंटायर बैकग्राउंड एंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी। द कोर इश्यू इज that he has been declared an international terrorist. He and his country now face the consequences of that. And obviously the world community, the global community, has been persuaded by all the material that India has put forward and circulated. And even persons with the elementary understanding of international diplomacy will tell you that the aggression and the aggressive posture of some global powers in getting him listed
and the change of attitude of China has certainly been impacted by the recent developments, which include both Pulwama and the expose of Pakistan post Balakot, because it was Masood Azhar's camps which were destroyed in Balakot. Madam, let's be clear that how effective India's position was post 26/11 is known to all. You have one of the former services chiefs saying that they wanted to organize the airstrikes at that time. The Prime Minister said no. And post 26/11, within weeks, 25 terrorists were released as a part of the goodwill gesture so that Pakistan cooperates. Forget cooperation. One of them, Shahid Latif, who was then released as a goodwill gesture, was then involved in Pathankot years later. Dekhiye, we don't want to make every issue into an election issue. Nationalism is an important issue. It has been a part of our core ideology since 1950, when the Bharatiya Jansangh was formed. In every election, it's an issue for us. At times, in popular minds, it acquires relevance more than normal. That is what has happened. And therefore, we continue to stand by our theme of nationalism and all allied issues. We also continue to stand by our themes of the Prime Minister's leadership and the performance of the government. And certainly, when Congress in its manifesto says we will remove sedition, we will dilute AFSPA, we will dilute army presence in Kashmir, certainly, these are political issues, and therefore the contrast in the approach towards nationalism and security concerns is visible. It's an election issue to that extent. Approach to security is an election issue. देखिए एफएटीएफ में वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट पे हैं और मिड मई में एफएटीएफ की मीटिंग है, तो भारत के पास तो जो तथ्य हैं वो रखेंगे, लेकिन इन बॉडीज में बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है और हम तो चाहेंगे कि जो एफएटीएफ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं
पाकिस्तान की लिस्ट को डाउनग्रेड करने के वो उन पे लगने चाहिए। शायद वो देखना नहीं चाहते, जो रिजल्ट चिदंबरम साहब को समझ में नहीं आ रहा दुनिया भर में लोगों को आ रहा है। देखिए मैंने समझा दिया, ये इन दोनों की नासमझी के बयान हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि जो लिस्टिंग का प्रस्ताव होता है वो आतंकवादी का बायोडेटा नहीं होता पूरा, कम से कम इतनी समझ इनको होनी चाहिए। और जो जिस वजह से चाइना ने स्टैंड बदला, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया अग्रेसिव हुए, स्वाभाविक है कि पुलवामा का उसमें बहुत बड़ा रोल था। ये तो गर्व का विषय है कि राष्ट्रवाद अपने देश के अंदर चुनाव का मुद्दा है, इसमें आरोप क्या है? और ये तो शर्म की बात है कि उनको लगता है कि राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि मैंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी कि चुनाव का माहौल है और इसलिए अपने आप को गर्व से हिंदू कहना ये एक चुनावी हिंदुओं का एक रिवाज बन गया है। जब विश्व हिंदू परिषद कहता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो उसको सांप्रदायिक मानते थे, अब उसका अनुवाद करके कई लोग यही बोलने लग पड़े हैं और दिग्विजय सिंह जी ने भी लगभग यही कहा। अब 2004 और 9 और 14 के चुनाव में तो मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मंदिरों में जाते नहीं देखा था, लेकिन इस बार 19 में चुनावी हिंदू उनको भी बनना पड़ा है। पार्डन, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन ट्वाइस। देखिए मैंने मैं काफी समय से एक टिप्पणी कर रहा हूं कि एक मुख्य धारा का दल धीरे धीरे फ्रिंज पार्टी बन रहा है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज नाउ अ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, और ये केवल साइज में नहीं है। पंडित जी और इंदिरा जी के समय 300 से 400 की पार्टी होती थी, और जब इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई उस स्थिति में भी वो अपनी कुर्बानी देके कांग्रेस को 400 सीट दिला गई। राजीव जी ने उसको 125 से 150 की पार्टी बना दिया, केवल एक 2009 का चुनाव अपवाद था। अब वो 40 से 70 सीट की पार्टी है, तो संख्या में भी वो फ्रिंज है। और जो स्टैंड भी लेते हैं, चाहे आर्थिक मुद्दों पे हो, आप मुझे बताइए कि पंडित जी के समय या सरदार पटेल के समय, इंदिरा जी के समय या नरसिम्हा राव जी या राजीव जी के समय भी देश के टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इन नारों लगते हुए कोई कांग्रेस का नेता जाता वहां पर? ये सिर्फ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं। और इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की दृष्टि से भी
ये जो कांग्रेस की नेता ने कल कहा कि हम वोट कटुआ हैं, अब ये एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बनने का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है।